आज हमारी खास मुलाकात लवकुश नगर में पदस्थ डॉक्टर एसपी शाकेवार ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर से हुई। उन्होंने बताया कि 75वें स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा भोपाल में प्रथम पुरस्कार मिला और अस्पताल की कायाकल्प करने में डॉक्टर साहब का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने इस अस्पताल में जनता की तरह स्वास्थ्य सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए काम किया। यहाँ हर आने वाले मरीजों की सेवा में तत्पर लगे रहते हैं। डॉक्टर साहब जब से लवकुश नगर आए और यहाँ के लोगों को स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। मरीजों को बाहर जाने वालों का बेहतर इलाज का ध्यान रखा और एहसास कराया कि मरीजों को सभी प्रकार की स्वास्थ्य सुविधाएँ प्रदान की जाएगी। ब्लॉक मेडिकल होने के बाद भी यहाँ पर जिला स्तर के लेवल की सुविधाएँ प्रदान की जा रही है। अस्पताल की पहले भी प्रथम पुरस्कार मिलते रहे हैं। हाथी चलता डॉक्टर साहब को भगवान के तुल्य दिखती है। उनकी सेवाएं देखकर ही लगता है कि वाकई में डॉक्टर को भगवान का दर्जा क्यों दिया जाता है। राजधानी तक टीम की ओर से डॉक्टर साहब को सत्ता विश्वकर्मा दिवस पर बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई। डॉक्टर सब यूं ही लोगों की सेवाएं करते रहे और यहाँ के लोगों से हमारी बात हुई तब बताया गया। छतरपुर से जिला ब्यूरो राम पाठक की रिपोर्ट। एक बार फिर मैं आपके बीच राम पाठक राजधानी तक से आपके बीच आया हूं। आज हमारे साथ विशेष मेहमान हैं डॉक्टर एसपी शाकेवार साहब लवकुश नगर में। लवकुश नगर एक अपने आप में पहचान बनी हुई है। अस्पताल जो सभी जगह खुले हुए हैं लेकिन आप इलाज के माध्यम में अगर बात करें तो सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था आपको यहाँ मिलेगी और ऐसे में इस अस्पताल को डॉक्टर साहब के माध्यम से कई बार प्रथम पुरस्कार भी मिल चुके हैं। यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं उसमें डॉक्टर साहब सदैव तत्पर रहते हैं और लोगों की सेवाएं देते रहते हैं। मरीजों की देखभाल में हमेशा से ही उनका सर्वोपरि योगदान रहा है। आइए हम आज खास मुलाकात में अपने इस कार्यक्रम के बीच में डॉक्टर एसपी शाकेवार साहब जो बीएमओ लवकुश नगर हैं उनसे मुलाकात करते हैं। आइए मुलाकात करते हैं डॉक्टर साहब एसपी शाकेवार साहब। सर नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्ते नमस्ते, मैं बहुत अच्छा हूँ सर। बस इस स्वतंत्रता दिवस की पावन अवसर पर आपको हार्दिक बधाइयाँ। सबसे पहले तो आपको भी बहुत बहुत बधाइयाँ और मैं सभी क्षेत्रवासियों को तहे दिल से हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ। ये 75वां अपना स्वतंत्रता दिवस है। अभी अपने भारतवर्ष को स्वतंत्र हुए 75 वर्ष हुए। सभी लोग भारत में अमृत महोत्सव मना रहे हैं। इसी अमृत महोत्सव पर हम भी सभी लोगों को भारतवासियों को एवं अपने क्षेत्रवासियों को बहुत शुभकामनाएं देना चाहते हैं। सभी लोग निरोगी रहें और स्वस्थ रहें। सर्वे भवन्तु सुखना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ना त्वहं कामये राज्यं, न स्वर्गं, न पुनर्भवं, कामये दुःखतप्तानां प्राणिनां आर्तिनाशनम्। इसी मनोकामना के साथ मैं सभी क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएँ देना चाहता हूँ। सर ये हमेशा से चर्चा का विषय रहा है लवकुश नगर अस्पताल, हमेशा से अव्वल रहा है। ऐसा क्या है सर कि जो व्यवस्थाओं में आप हमेशा से आप करते चले आ रहे हैं? अब आप मेरे ख्याल से बहुत समय से जुड़े हुए हैं और देख भी रहे हैं कि यहाँ व्यवस्थाएं कैसी रहती हैं। समय पर सभी को दवाइयाँ मिलती हैं, साफ़ सफाई रहती है और कायाकल्प में मुझको लगातार 4 बार से अवार्ड मिल रहा है और इस बार माननीय मुख्यमंत्री द्वारा अवार्ड मिला है और इसमें स्वास्थ्य मंत्री जी भी उपस्थित रहे थे उस समय। अभी हमको इसी माह अवार्ड मिला हुआ है कायाकल्प में। तो सर ये जो आप कर रहे हैं सर, इसमें आपने दिन रात एक करके आपने इस अस्पताल को, इस क्षेत्र के लोगों को एक ऐसी व्यवस्था दी है, तो ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली, किस तरह से मिली? ये तो स्वप्रेरणा होती है, एक प्रेरणा कहीं मिलती नहीं है। आप करना चाहें आप भी कर सकते हैं, हम करना चाहें तो ये स्वप्रेरित है, कोई कहीं से प्रेरणा नहीं मिलती है। ये अपने आप प्रेरित रहते हैं कि हमको अपना काम करना चाहिए। केवल अपना कर्तव्य ही तो कर रहा हूँ, कोई अलग से कुछ नहीं कर रहा हूँ, केवल अपना कर्तव्य कर रहा हूँ। जो शासन ने हमको काम दिया है वही काम पूरा कर रहा हूँ। तो सर मैं बहुत शुभकामनाएं आपको कि आप इसी तरह लोगों की सेवाएं करते रहें, लोगों को इसी तरह आप सेवाएं प्रदान करते रहें। हमारी कोई संदेश देना चाहेंगे सर अपने आम जनता को? सर अब आम जनता को तो यही संदेश है कि सभी लोग मिलजुल कर रहें, स्वस्थ रहें, निरोगी रहें और साफ सफाई एवं स्वच्छता का विशेष ध्यान दें। अस्पताल में गंदगी ना करें और जो डस्टबिन लगे हुए उनका उपयोग करें, यहाँ वहाँ गंदगी ना फैलाएं, जिससे अस्पताल परिसर साफ एवं स्वच्छ।